के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में बढ़ने लगे कोरोना के केसेस, देश में बढ़ा कोरोना का खतरा। पीएम मोदी आज करेंगे समीक्षा बैठक, दोपहर 3:30 बजे करेंगे समीक्षा बैठक। जिस वेरिएंट से चीन में बड़ा संक्रमण, उस वेरिएंट के 5 केसेस भारत में भी मिले हैं। गुजरात में 3, ओडिशा में 1 केस, 5वें की अपडेट आना बाकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है चाइना में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसी के चलते जो है भारत को भी इससे खतरा है। देश में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी आज जो समीक्षा बैठक करेंगे, दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक है कोविड को लेकर। जिस वेरिएंट से चीन में बड़ा संक्रमण, उस वेरिएंट के 5 केस भारत में भी मिले। गुजरात में 3, ओडिशा में 1 केस और 5वें के अपडेट अभी आना बाकी है। तो नए वेरिएंट के कुल 5 केस भारत में मिल चुके हैं। इसके लिए सरकार अलर्ट हो गई है क्योंकि इस नए वेरिएंट ने चीन में काफी ज्यादा तबाही मचाई है। लगातार जो है लोग इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष, देखा जा रहा है चीन में जिस तरह के हालात हो रहे हैं कोरोना को लेकर, उसकी कुछ झलक अब भारत में भी देखने को मिली है। भारत में भी नए वेरिएंट के 5 केसेस आ गए हैं और प्रधानमंत्री भी अब इसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? दुनिया भर में कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। चीन में इस वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। चीन में हालात इस कदर खुल चुके हैं कि वहां पर जो शमशान घाट है उस पर भी वेटिंग चल रही है, और एक दिन की नहीं, दो दिन की नहीं, बल्कि 20-20 दिन की वहां पर वेटिंग चल रही है। इससे हम उसके जो ताजा हालात है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन में हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है, और इसके लिए बकायदा प्रधानमंत्री मोदी आज उच्च स्तरीय एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। कल भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर बैठक की थी और जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो जानकारी थी वो मुहैया कराई थी, और तमाम राज्यों को भी ये एक संदेश दिया था, खत लिखा था कि जो एहतियात है वो बरते जानी चाहिए, और जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर मास्क का प्रयोग करेंगे, मास्क लगाकर ही वहां पर जाएंगे। इसके अलावा सैनिटाइज और जो भी एहतियात बरतने हैं वो बरतेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर आज हाई लेवल की समीक्षा बैठक बुलाई है, और क्योंकि चीन में जो कोरोना के जो वायरस के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं भारत में भी अब चिंता बढ़ने लगी है। तो वहीं अगर हम स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर सजग है, और भारत सरकार ने एक खत भी राज्यों को लिखा है और एहतियात बरतने के निर्देश भी तमाम राज्यों को दिए हैं। आज देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हाई लेवल की बैठक कर रहे हैं उसमें क्या कुछ नए नियम बनते हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी होती है। अस्मिता जी, बिल्कुल, अभी तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ गाइडलाइन निकल के आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई जहां भारत में भी नए वेरिएंट के 5 केसेस मिल गए हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें क्या कुछ गाइडलाइंस आती है, क्या कुछ किया जाना चाहिए इस नए वेरिएंट से बचने के लिए, उस पर समीक्षा हो सकती है।